अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल फाइन। टुडे आवर मैसेज इज सुस्ती नहीं करनी, सुस्ती नहीं करनी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने किसी भी काम में सुस्ती नहीं करनी, उस किसी भी काम को उसके वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। क्लास फोर, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, पेज नंबर 56, यूनिट नंबर है 5, यूनिट का नेम है इकोसिस्टम एंड फूड चेन्स। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट की हम लोग हर एक टॉपिक की डिटेल में डिस्कस वीडियो बना चुके हैं। इस यूनिट की हम लोग एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और क्वेश्चन आंसर्स का कुछ हिस्सा कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीज क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर पैरासाइट्स? व्हाट आर पैरासाइट्स? स्टूडेंट्स, क्या है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, पैरासाइट्स क्या हैं? तो आंसर है, पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स क्या हैं? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, हशरात, दैट लीव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। स्टूडेंट्स, वो जो हैं, जो कि जिंदा हैं, जानदार हैं, इनसाइड अंदर द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाहर भी होते हैं और जिस्म के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं। ठीक है, एनिमल्स में स्टूडेंट्स सिर्फ जानवर नहीं बल्कि हम लोग इंसान भी शामिल हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे जो कीड़े पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, साइंस में जानवरों, इंसान को भी जानवर ही कहा गया है। ठीक है, इंसान के लिए भी एनिमल का वर्ड ही यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब है कि इंसानों और जानवरों दोनों की बॉडीज़ के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कलर हेल्प एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? कि कैसे जो है एनिमल्स का कलर उनको हेल्प करता है खुद को महफूज करने में। गिव सम एग्जांपल्स और इसकी मिसाल भी देंगे। ठीक है, कि एनिमल्स कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं अपने कलर के साथ। ठीक है, आंसर है, द कलर हेल्प्स एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड सर्वाइव। स्टूडेंट्स, हर एनिमल का कलर उसकी जो है हिफाजत के लिए और उसके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो है हर कलर, हर एनिमल का जो कलर है वो उसको ज़िंदा रहने के लिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम्पल, एंड अरेटिक फॉक्स इज़ वाइट। अरेटिक फॉक्स क्या है? वो वाइट कलर की है, तो उसका वाइट कलर उसको कैसे हेल्प करता है? इट कैन नॉट बी सीन ईजीली अगेंस्ट द स्नो। ठीक है स्टूडेंट्स, कि वो खुद को स्नो में इस तरह से छुपा लेता है कि उसको आसानी से देखा नहीं जा सकता। अरेटिक फॉक्स क्या है स्टूडेंट्स? ये बर्फ़ में रहने वाली फॉक्स है, जो जब इसका एनिमीज यानी इसको कोई शिकार करने आता है तो ये खुद को बर्फ़ में छुपा लेती है, तो जिस वजह से इसको आसानी से देखा नहीं जा सकता, इसको आसानी से तलाश नहीं किया जा सकता। ये इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करती है, इसका वाइट कलर स्नो में इसको जो है महफूज रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू थिंग्स ट्रांसफर्ड बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम? स्टूडेंट्स, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो मुंतकिल होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान
इकोसिस्टम में, ठीक है। तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं देखते हैं, एनर्जी, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड, स्टूडेंट्स एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। सो स्टूडेंट्स लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो दो चीज़ें एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो दूसरे को जो ट्रांसफ़र करती हैं चीज़ें वो हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, आज ये भी 3 क्वेश्चंस। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, देन आप लोगों ने इनको नीट राइटिंग में अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। और मेरी मदर्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को पहले अच्छी तरह से लेसन याद करवाया करें, उसके बाद सुना करें, फिर नोटबुक पर लिखते वक्त वर्टिकल लिखवाने की कोशिश किया करें। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को गौर से सुनें और उस पर अमल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।